गुड मॉर्निंग क्लास, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक पीरियड, जो कि 1000 BC से 600 BC का काल था। इससे पहले हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वैदिक सभ्यता को समझाने का प्रयास किया था। अगर इससे संबंधित जानकारी आप तक नहीं पहुंच सकी तो फिर से देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल अथवा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के माध्यम से आप हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं और उपरोक्त कक्षाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। उन कक्षाओं से आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार विश्व की प्राचीन नगरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ और भारत में आर्यों की स्थापना हुई। दूसरा, आर्य कहाँ के निवासी थे और आर्यों का भारत में आगमन कहाँ से हुआ, और धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों और अनार्यों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप आर्यों की स्थापना हो गई और भारतवर्ष को आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा ऋग्वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक प्रशासन, प्रशासन की इकाइयां, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, धर्म, महिलाओं की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया था। और उसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, कि किस प्रकार उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक पीरियड ऋग्वैदिक पीरियड से अलग था, किस प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए थे उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार जन और जन मिलकर आपस में जनपद बनने लगे, राजा का उदय हो गया, राजा शक्तिशाली व्यक्ति बनने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई जो कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कृषि हो गया, और उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन के अंतर्गत हमें इसकी अर्थव्यवस्था, धर्म, महिलाओं की स्थिति और मनोरंजन के साधनों पर विचार करना है। तो चलते हैं सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में जनपदों का निर्माण। मध्य एशिया से आने वाले आर्य भारोपी परिवार के थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और धीरे धीरे भारत में आकर कबीलों के रूप में बसने लगे, और यही कबीले जन कहलाते थे, और यही जन आपस में धीरे धीरे संघर्ष के परिणाम स्वरूप अथवा समन्वय के परिणाम स्वरूप आपस में मिलने लगे तो जनपद बनने लगे। अर्थात इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जनपदों का उदय। तो किस प्रकार इस काल में जन प्लस जन बराबर जनपद बने, ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर था, तो आप कहेंगे कि ऋग्वैदिक काल के समानांतर उत्तर वैदिक काल में जन और जन आपस में मिलकर जनपद बनने लगे थे। ठीक है, तो मैं उदाहरण आपको बताता हूं। सबसे महत्वपूर्ण जन भरत जन, पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी जन के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था, यानी भरत जन के नाम पर, भरत जन प्लस पुरु जन यानी पुरु कबीला बराबर कुरु जनपद, ये देखने को मिला है। दूसरा, क्रीवी जन प्लस तुर्वस जन बराबर पांचाल जनपद, इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले हैं। ठीक है, कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार जन और जन मिलने लगे और जनपद। इस जनपदों के अलावा अगर अन्य जनपदों की बात करूंगा तो इसमें एक महत्वपूर्ण जनपद काशी भी था, काशी जनपद। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण जनपद कहेंगे तो विदेह जनपद, इसके अलावा कई कई जनपद, ये पांच महत्वपूर्ण जनपद देखने को मिले। और प्रश्न जो पूछा जाता है, आयोग की जो डिमांड है कि जनपद और उनसे संबंधित राजा, यानी उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व बढ़ने लगा,
तो इन पांच महत्वपूर्ण जनपदों के राजा कौन थे, तो मैं आपके सामने इस टॉपिक को भी रखता हूं कि जनपदों से संबंधित राजा। तो जनपद यानी काशी महत्वपूर्ण जनपदों में से एक था। फिर से मैं पांच महत्वपूर्ण जनपद और उनके राजाओं के नाम आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा कुरु, पांचाल, विदेह और कैकेयी, इन पांचों जनपदों के उस समय के राजा। तो इसमें महत्वपूर्ण जनपद काशी था और यहां के राजा थे अजातशत्रु। ठीक है, कुरु जनपद के राजा थे परीक्षित। राजा परीक्षित जिनका उस समय में महत्वपूर्ण नाम था, इन्हें मृत्युलोक का देवता कहा जाता था। मृत्युलोक के देवता राजा परीक्षित के लिए और अपनी शक्ति के बल पर चक्रवर्ती सम्राट यानी एकराट की उपाधि धारण की थी इन्होंने, राजा कुरु ने। उसके अलावा पांचाल के प्रवाहन जैवली, राजा प्रवाहन जैवली या जवाली, विदेह के राजा जनक और कैकेयी के राजा अश्वपति। ठीक है, ये पांच महत्वपूर्ण जनपद और उनसे संबंधित तत्कालीन राजा। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार जनपदों का महत्व बढ़ने लगा था इससे समझ में आ सकता है। दूसरा कि इन राजाओं का महत्व बढ़ने लगा क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हमने ये पढ़ा था कि राजा अपने जन का प्रधान होता था और उसका मुख्य कार्य था अपने जन का नेतृत्व करना, दूसरे जनों से अपने जन की रक्षा करना। लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ धीरे 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 जन शक्तिशाली होने लगे और वो जनपद बनने लगे और राजा की शक्ति भी बढ़ती रही और राजाओं ने यज्ञ विधि विधानों के माध्यम से अपने महत्व को और आगे बढ़ाया और पुरोहितों के संपर्क में आकर राजा ने अपने महत्व को समझने का प्रयास किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अर्थात उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति कैसे थी, दूसरा हमारा टॉपिक है राजा का महत्व। उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा अपने जन का प्रधान नहीं रहा बल्कि राजा एक शक्तिशाली व्यक्ति हो चुका था और राजा की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और राजा विशेष प्रकार की उपाधियां लेने लगा था। ठीक है, तो राजा अपने जन का प्रधान ही नहीं रहा बल्कि राजा केवल अपने जन के प्रधान तक सीमित नहीं था या केवल युद्ध करने तक सीमित नहीं था बल्कि उसका महत्व बढ़ गया, उसका महत्व बढ़ गया था और राजा अनेक उपाधियों के माध्यम से अपने महत्व को बढ़ाने की कोशिश करने लगा। अगर राजा के बढ़ते महत्व और उसकी उपाधियों को देखा जाए तो ये समझा जाने लगा कि अगर राजा चारों दिशाओं को जीत ले तो वह एकराट की उपाधि धारण कर लेगा। इसलिए राजा यानी पूर्व की दिशा जीतेगा, पश्चिम की दिशा जीतेगा, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इस प्रकार
और उस समय पूर्व के लिए प्राची शब्द का प्रयोग होता था, प्राची का राजा। जिस प्रकार प्रश्नों की डिमांड है उसी प्रकार मैं क्लास को ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा को प्राची कहा जाता था। प्रश्न पूछता है कि प्राची का राजा क्या कहलाता था, ऐसे ही प्रतीची, प्रतीची उत्तर उदीची और दधीची दक्षिण, ठीक है। ये चार महत्वपूर्ण दिशाएं थी उस समय कि राजा चारों दिशाओं को जीतने का प्रयास करेगा और अपनी शक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाता रहेगा। तो प्राची, अगर राजा ने पूर्व की सारे राजाओं को पराजित कर दिया यानी पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त कर ली है तो राजा सम्राट कहलाएगा। राजा सम्राट की उपाधि धारण करता था। अगर राजा ने पश्चिम की दिशा यानी प्रतीची की दिशा को जीत लिया है तो राजा विराट कहलाता था। इसके अलावा अगर उत्तर की दिशा को जीत लिया है राजा ने तो राजा विराट, सॉरी यहां पर स्वराट होना था। पश्चिम की दिशा को जीतने वाला राजा स्वराट, उत्तर की दिशा को जीतने वाला राजा विराट और दक्षिण की दिशा को जीतने वाला राजा भोज, ठीक है। अगर राजा पूरा चारों दिशाओं को जीत लेता है तो सर्वशक्तिशाली हो जाता है। चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि यद्यपि अस्तित्व में नहीं आई थी लेकिन चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा एक राट कहलाता था, ठीक है। इससे राजा की उपाधियां और उसके विस्तार क्षेत्र की जानकारी मिलती है, उसके महत्व का पता चलता है। तो ये प्रश्न अगर पूछता है मैच द कॉलम, इस प्रकार के प्रश्न, पूर्व प्राची का राजा, प्रतीची का राजा, उदीची का राजा और दधीची का राजा, क्लियर हुआ। सम्राट, स्वराट, विराट और भोज, और चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा एक राट जो कि परीक्षित थे। परीक्षित राजा, परीक्षित मैंने आपको बताया था पहले राजा थे जिन्हें मृत्युलोक का देवता कहा जाता है, जिन्होंने एक राट की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये प्रश्न हमारे पास था। लेकिन राजा उपरोक्त दिशाओं को जीतेगा कैसे, राजा का इतना महत्व कैसे बढ़ेगा, राजा अपने महत्व को कैसे बढ़ाएगा? तो राजा अपने पुरोहितों के संपर्क में रहता था और पुरोहितों के दिशा निर्देश के बाद ही राजा इस प्रकार की उपाधियां लेता था। और इस प्रकार की उपाधि को लेने और चारों दिशाओं को जीतने के लिए राजा को यज्ञ विधि विधानों से गुजरना होगा, अर्थात राजा द्वारा पुरोहितों के संपर्क के परिणाम स्वरूप, पुरोहितों के निर्देशन के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के यज्ञ विधि विधान किए जाने लगे। उत्तर वैदिक काल में राजा ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए या राजा के महत्व को बढ़ाने के लिए पुरोहितों के निर्देशन में यज्ञ विधि विधान किए जाने लगे, ठीक है। तो किस प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है, राजा ने यज्ञ विधि विधान यानी उत्तर वैदिक काल में पहली बार बड़े स्तर पर यज्ञ विधि विधान का उल्लेख मिलता है। अनेक प्रकार के यज्ञ देखने को मिले हैं, जैसे आपने सुना होगा राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ, इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ, तब से लेकर अब तक भारतीय इतिहास में यज्ञों की परंपरा चलती आई है, ये आप समझ सकते हैं। पुरुष में एक यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, और सर्वमेघ यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है।
ठीक है। जैसे राजसु यज्ञों में राजा अपने रत्नों के घर जाता था, यानी अपने दरबार के जो विशेष नवरत्न थे उनके घर जाता था और उम्मीद रखता था कि वो उसे समर्थन देंगे, तो राजा रत्नों के घर जाता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों के महत्व के बढ़ते इस प्रकार के यज्ञ सामने आए हैं। वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ होती थी, राजा का रथ दौड़ाया जाता था और जो राजा की शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक होता था। अश्वमेध यज्ञ में राजा का घोड़ा दौड़ाया जाता था। भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और उनके घोड़े को उनके ही पुत्रों द्वारा पकड़ लिया गया था। संपूर्ण साम्राज्य में घोड़ा दौड़ाया जाता था जो शक्ति का प्रतीक होता था। अगर कोई भी उस घोड़े को पकड़ता था तो वो उसे राजा से युद्ध लड़ना पड़ता था। अगर कोई नहीं पकड़ेगा तो संपूर्ण साम्राज्य में राजा का ही बोलबाला रहेगा, राजा ही सर्वशक्तिमान रहेगा, इस चीज़ का प्रतीक था। पुरुष मेघ यज्ञ में नर बलि का प्रावधान था, नर बलि। अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि में चढ़ावा होता था, यानी सभी प्रकार की चीज़ को अग्नि में चढ़ाया जाता था। और सर्वमेघ यज्ञ में सभी प्रकार की बलि का प्रावधान था, सभी प्रकार की बलि, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। ये उत्तर वैदिक काल में राजा के बढ़ते महत्व और उसके द्वारा ली जाने वाली उपाधियां और उसके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, ये था हमारा राजा का महत्व और जनपदों का उल्लेख। इसलिए विभिन्न जनपद में शक्तिशाली राजा देखने को मिले हैं। तीसरा टॉपिक था कि उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण खोज है लोहे की खोज। ठीक है, लोहे की खोज। जहां धातु की बात की जाए तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण धातुओं में बताया था कि वहां की सबसे महत्वपूर्ण और पहली धातु भारतीय इतिहास की तांबा थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक धातुएं देखने को मिली हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, लेकिन लोहे की खोज अब तक नहीं हुई थी। उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार लोहे की खोज हुई थी। तो मैं अतरंजी खेड़ा, यह है एटा जिला उत्तर प्रदेश, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा, यहां से पहली बार लोहे के प्रमाण मिले हैं। पहली बार लोहे के प्रमाण ये महत्वपूर्ण प्रश्न कि लोहे की खोज सबसे पहली बार उत्तर वैदिक काल में, तो कहां से लोहे के प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, संभवतः यहां से लोहे का फाल मिला या उस प्रकार के लोहे से संबंधित प्रमाण मिले। संभवतः लोहे का प्रयोग शुरुआती क्षणों में केवल युद्ध वगैरह में होता था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के अंत में लोहे का प्रयोग कृषि के रूप में होने लगा और जिससे कृषि में क्रांति हुई और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया। और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के अंत के समय उत्तर भारत की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे यही नगरीकरण के काल की ओर संकेत करता है। और फिर इसके बाद जो महाजनपद काल आया उसे द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाने लगा। उसकी नींव यानी द्वितीय नगरीकरण की नींव संभवतः उत्तर वैदिक काल से ही पड़ चुकी थी। ठीक है, तो लोहे की खोज कहां से हुई है? तो अतरंजी खेड़ा एटा से, ये महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन।
जिस प्रकार ऋग्वेदिक काल में समाज की स्थिति बताई गई थी कि ऋग्वेदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज की स्थिति और बुरी होने लगी। इस समय में भी अगर प्रशासन में सबसे पहले समाज को देखा जाए, समाज पितृसत्तात्मक था, अब भी पुरुष प्रधान समाज ही रहेगा, समाज उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में दोनों में पितृसत्तात्मक था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, ये आप समझ सकते हैं। तो अगर महिलाओं की स्थिति कहूँगा तो महिलाओं की स्थिति दयनीय होने लगी थी। या फिर ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल से भी ज्यादा दयनीय थी, उनका उपनयन संस्कार समाप्त कर दिया गया। उपनयन संस्कार समाप्त कर दिया गया मैत्रायणी संहिता में, मैत्रायणी संहिता में महिलाओं की तुलना जुए और शराब से की जाने लगी और महिलाओं यानी पुत्री के जन्म को दुख का कारण बताया गया, जबकि पुत्र को कुल का उद्धारक कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण से भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो महिलाओं के उपनयन संस्कार को समाप्त करना, लेकिन फिर भी महिलाएं शक्तिशाली थी, महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने समाज में अपने महत्व को दिखाया था। महिलाएं गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वरा, गार्गी, अपाला, घोषा जैसी महिलाएं उत्तर वैदिक काल में रही हैं, महिलाओं की स्थिति खराब होने के बावजूद भी संभवतः उच्च वर्गीय क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी, और जबकि सामान्य और निम्न वर्गीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय रही होगी, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में जो नए परिवर्तन हुए वो क्या थे, कि किस प्रकार उत्तर वैदिक काल का समाज ऋग्वैदिक काल के समाज से अलग था। तो समाज के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात थी कि ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल के नवें मंडल में वर्ण व्यवस्था और दसवें मंडल में के पुरुष सूक्त में चार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और इसके अलावा समाज में वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र हुआ है वो कर्म के आधार पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगी, ये सामाजिक परिवर्तन था। यहाँ की वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। उत्तर वैदिक काल में यही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था कि जो जिस प्रकार के घर में जन्म लेगा वो उसी प्रकार का सामाजिक स्थिति में शामिल हो जाएगा, जबकि ऋग्वैदिक काल अच्छा था, वहां पर जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी प्रकार के वर्ण में शामिल हो जाता था। और धीरे धीरे यही वर्ण व्यवस्था आज तक भी जीवंत है, जो जिस प्रकार के घर में जन्म लेगा, जिस प्रकार के कुल में जन्म लेगा उसी प्रकार के वर्ण में शामिल हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, गोत्र शब्द का उल्लेख, ये भी
उत्तर वैदिक काल में इसकी व्याख्या मिलती है। पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन गोत्र प्रथा क्या थी, गोत्र प्रणाली क्या थी, इसका उल्लेख बेहतर तरीके से उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो मैं सामाजिक दशा के अंतर्गत गोत्र प्रथा को समझाने का प्रयास करता हूँ, चूंकि ये वर्तमान में भी हमें सुनने को मिलता है, और लेकिन इतिहास की जानकारी के अभाव में हम गोत्र को नहीं समझ पाते हैं। गोत्र, गोत्र शब्द की अवधारणा, गोत्र चूंकि संस्कृत में बोला गया शब्द या लिखा गया शब्द है, और वैदिक आर्यों की भाषा ही संस्कृत थी जो कि टफ थी, और धीरे धीरे यही तद्भव बन गई और सरल बन गई, और ये इस शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ से हुई है। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन पर आधारित थे, उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, और प्रत्येक कबीले के लोग अपनी गायों को एक गोठ में बांधा करते थे जिसे गोष्ठ कहा जाता था, और उसी कबीले का एक प्रधान पुरोहित होता था जिस प्रधान पुरोहित के नाम पर उस गोठ या गोष्ठ या गोत्र का नाम रख देते थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा ज्यादा विकसित होने लगी, जबकि गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिला है, तो संभवतः 7 गोत्र थे, अर्थात 7 पुरोहितों के नाम पर उन गोत्रों के नाम रखे गए। तो उसमें बड़े बड़े नाम जैसे ऋषि भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, ऋषि भृगु, कश्यप और ऋषि अत्रि। तो इस प्रकार गोत्रों का विभाजन इन पुरोहितों के नाम पर रख दिया गया, और प्रत्येक पुरोहित के नाम पर प्रत्येक गोत्र को जाना जाने लगा। यही गोत्र की परंपरा आगे भी आज तक भी चल पड़ी। ठीक है, ये उत्तर वैदिक कालीन समाज की स्थिति थी। उत्तर वैदिक काल की समाज में परिवर्तन क्या रहे, समाज पितृसत्तात्मक ही रहा ऋग्वैदिक काल की तरह, लेकिन परिवर्तन क्या है, एक तो गोत्र प्रथा आई, दूसरा वर्ण व्यवस्था में अंतर होने लगा, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई, महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई, उनके उपनयन संस्कार को भी समाप्त कर दिया गया, उनकी तुलनाएं जुए और शराब से की जाने लगी। ये उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा और दशा थी। ठीक है, इसके बाद उत्तर वैदिक कालीन धर्म, इससे पहले ऋग्वेद काल में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद काल में सबसे पूज्य देवता इंद्र थे, चूंकि इंद्र आर्यों के प्रधान पुरुष थे और अपने कबीले का नेतृत्व कर रहे थे, इस वजह से धीरे धीरे ऋग्वेद में इंद्र को ही पूजा जाने लगा, जिनसे संबंधित 250 सूक्त आए हैं। उसके अलावा अग्नि, वरुण, और फिर मैंने कहा था कि लगभग 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा धार्मिक परिवर्तन हुआ। इस काल के प्रमुख देवता अगर मैं लिखूंगा, प्रमुख देवता, तो प्रजापति, इसके अलावा रुद्र और नारायण, इन देवताओं का महत्व बढ़ने लगा उत्तर वैदिक काल तक आते आते। प्रजापति ब्रह्मा के लिए आया सब, शिव के लिए आया है रुद्र, और विष्णु के लिए नारायण शब्द का उल्लेख मिलता, यानी उत्तर वैदिक काल तक प्रमुख देवता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लेकिन इन्हें त्रिदेव के रूप में नहीं जाना जाता था। त्रिदेव के रूप में इनकी पहचान संभवतः गुप्त काल तक होगी,
लेकिन वर्तमान में यानी उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता ये तीन नाम रुद्र, नारायण और प्रजापति। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, प्रजापति यानी ब्रह्मा और सभा और समिति जो कि राजा को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं थी, और ऋग्वेद में सभा समिति विदत और गण थी, जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते विदत और गण का महत्व कम होने लगा और सभा और समिति अत्यधिक शक्तिशाली हो गई, इसलिए उन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, धर्म की बात करें तो, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण स्थिति यह थी कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोगों का पुरोहित वर्ग पर जो राजा के सबसे नजदीक होता था विश्वास उठने लगा था, क्योंकि पुरोहितों ने यज्ञ विधि विधान के माध्यम से हिंसा को बल दिया, हिंसा को महत्व दिया था, और इस हिंसा में अनेक पशु कटने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में चूंकि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया और कृषि उत्पादन के लिए यानी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए पशुओं का महत्व बढ़ रहा था, और तार्किक रूप से यह बात सही नहीं बैठ रही थी कि अगर आप यज्ञों में पशुओं की हत्या कर दोगे तो फिर खेती कौन करेगा, इसलिए लोगों का ध्यान अहिंसा की तरफ गया। और जो वैदिक परंपरा थी और जो वैदिक धर्म था इस पर गहरी चोट हुई और लोगों का ध्यान छठ दर्शन की ओर होने लगा, यानी बहुदेववाद। इस धर्म की बात कहूं तो उत्तर वैदिक काल बहुदेववाद या षट दर्शन का विकास देखा गया। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद यानी षट दर्शन का विकास देखा गया। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म पर भी बहुदेववाद देखा था, यानी अपने मन से जिस किसी धर्म को भी आप मानना चाहें ये एक विकसित समाज की ओर संकेत करता है, लेकिन यहां पर विकसित समाज नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता वैदिक धर्म की अति होने लगी थी, जिन्होंने अपने यज्ञ विधि विधान के माध्यम से अनेक पशुओं की हत्या की थी, इसलिए लोगों का ध्यान इस हिंसा से अहिंसा की ओर आया और षट दर्शन यानी बहुदेववाद की ओर आया। और लोगों ने षट दर्शन से संबंध जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा कही हुई बातों को ध्यान में रखना शुरू कर दिया। षट दर्शन के अंतर्गत जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन, षट दर्शन महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। योग दर्शन जो आज भी है, पतंजलि जी का, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, इसके अलावा दर्शनों में न्याय दर्शन, गौतम ऋषि का, यानी लोगों का ध्यान उन महान ऋषि मुनियों की ओर गया जिन्होंने हिंसा को ज्यादा महत्व नहीं दिया बल्कि अहिंसा की ओर संकेत किया। इसके अलावा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पतंजलि, कपिल मुनि और गौतम जैसे ऋषि मुनियों की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा, तथा वैशेषिक दर्शन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण दर्शन जो प्रश्न है, प्रश्नों के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है कि मैच द कॉलम, एक तरफ दर्शन और दूसरी तरफ उन दर्शनों से जुड़े हुए लोग, ठीक है। उत्तर मीमांसा वादरायण जो कि फिलॉसफी यानी दर्शन की एक धारा ही है, उसी प्रकार पूर्व मीमांसा और वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा ऋषि जैमिनी, जैमिनी और वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए कि मैच द कॉलम की योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, ये
अब मैं ऋग्वैदिक धर्म की बात कर सॉरी उत्तर वैदिक धर्म की बात करूं तो उत्तर वैदिक धर्म में जो परिवर्तन हो रहे थे उसमें इंद्र, अग्नि और वरुण के स्थान पर रुद्र, प्रजापति और नारायण हुए थे। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक धर्म था, इस वैदिक धर्म के अत्यधिक महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप षठ दर्शन यानी बहुदेववाद का उदय होने लगा और लोगों का ध्यान योग दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर न्याय दर्शन इनकी ओर जाने लगा। इसलिए षठ दर्शन अथवा बहुदेववाद का विकास होने लगा और वैदिक परंपरा से लोगों की दूरी बढ़ने लगी और वैदिक धर्म का पतन होने लगा और अंततः धीरे धीरे महाजनपद काल में लोगों का ध्यान महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के द्वारा दिए गए निर्देशों की ओर जाने लगेगा और वैदिक धर्म का पतन होने लगा। इसलिए वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत का भ्रमण किया जाने लगा। ये वो काल था यानी उत्तर वैदिक काल के अंत का समय वो काल था या उत्तर वैदिक काल के अंत अथवा महाजनपद काल के शुरुआत का समय वो था जब वैदिक धर्म पर सबसे गहरी चोट पहुंची थी क्योंकि वैदिक धर्म अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया था। ठीक है, ये था उत्तर वैदिक कालीन धर्म। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का आधार देखा जाए तो कृषि हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, यद्यपि शुरुआती क्षणों में लोहे का व्यापक प्रयोग नहीं होने लगा लेकिन धीरे धीरे लोहे का प्रयोग खेती में होने लगा यानी लोहे का फाल बनने लगा। इससे क्या हुआ कि कृषि में अधिशेष आने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे संपन्नता आने लगी और अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन से कृषि हो गया। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अगर पूछे अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि। ऋग्वेद काल में भी अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन और कृषि था, पशुपालन जो कि प्रथम स्थान पर था क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन की खोज में ही पशुपालन हेतु चारागाहों की खोज में भारत तक पहुंचे थे इसलिए पशुपालन वहां पर मुख्य रूप से था लेकिन दूसरे स्थान पर कृषि थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 10 मंडलों में से मैं भी हुआ है। लेकिन कृषि दूसरे स्थान पर थी लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रथम स्थान पर आई। सतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण में बुआई, जुताई का उल्लेख मिलता है कि भैया बुआई और जुताई की जाती थी। इसके अलावा ये कहा जाता है कि अथर्ववेद में ये कहा गया कि पृथुवेन्यु ने मनु को हल चलाना सिखाया था। पृथुवेन्यु अश्विन के लिए आ रहा है, पृथुवेन्यु ने मनु को हल चलाना सिखाया था जिसका उल्लेख अन्य कई जगह भी हो चुका है। ऋग्वेद के मंडलों में भी इसका उल्लेख मिलता है कृषि मंत्रों के अलावा कई जगह कि अथर्ववेद और सप्तक ब्राह्मण से उत्तर वैदिक कालीन कृषि अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। और ये कहा गया है कि कृषि का महत्व इतना बढ़ गया था कि कठ उपनिषद में 24 बैलों द्वारा खेती के प्रमाण मिले हैं, 24 बैलों द्वारा खेती करने के प्रमाण मिले हैं। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि का महत्व धीरे धीरे बढ़ता रहा। ठीक है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय का साधन क्या था, अर्थात मुद्रा व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा व्यवस्था के रूप में कुछ सिक्कों का प्रचलन हुआ था। सिक्के उत्तर वैदिक कालीन सिक्के कहे तो शतमान, निष्क और कृष्णल इन प्रमुख सिक्कों का जिक्र मिलता है उत्तर वैदिक कालीन सिक्कों में। निष्क संभवतः सोने का सिक्का था,
सतमान चांदी के सिक्के के लिए आए हैं और ये मिश्रित सिक्का था संभवतः, या फिर चांदी प्लस तांबा का मिश्रित सिक्का ये देखने को मिला है। तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान सोने और चांदी के सिक्के थे जिनका मुद्रा व्यवस्था के रूप में यानी आय व्यय के रूप में प्रयोग होता रहा। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में जो हमें अध्ययन करना है कि तीन अन्य वेदों से संबंधित जानकारियां और ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो प्रशासनिक संरचना थी वो, और उसके बाद हम पहुंचेंगे कि द्वितीय नगरीकरण का काल अर्थात महाजनपद काल अर्थात महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के जन्म का काल। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद।